आज के वीडियो में जो टेस्टिंग है आप लोगों के लिए वो ये है, ये एक यूरिन का सैंपल है और इसमें आप लोग मार्कोलॉजी यानी कि आप माइक्रोस्कोपी बताओगे मुझे आपको क्या क्या दिक्कत इसमें फाइंडिंग लग रहा है। अगर 70-80% भी अगर मैच कर गया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो भी सिखाया है अभी तक सब के सब सही है, यानी कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। तो एक हिंट ये देता हूँ कि इस जो ये यूरिन सैंपल है और एक फीमेल पेशेंट है, इसमें क्या था कि ल्यूकोसाइट 4+ है, ब्लड इसमें 3+ आया है और इसके अलावा ये स्लाइडली टर्बिड है यूरिन, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं बताने वाला मैं। बाकी आप फाइंडिंग करके बताओगे या इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें मेरी माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग क्या क्या रही है। तो सबसे पहले आप लोग देखो आपको इसमें दिख क्या रहा है, यानी कि ल्यूकोसाइट है 3+, ल्यूकोसाइट 4+ है और ब्लड इसमें 3+ है, यह एक फीमेल पेशेंट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना अपना फाइंडिंग नोट करना, जरूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा था, वरना इस वीडियो के लास्ट में मैं तो ज़रूर बताऊंगा कि एक्चुअली में इसमें क्या लग रहा था जो मैंने फाइंडिंग दिया हुआ है। जैसे ये देख सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में आपको पसल्स दिख रहा है, समीप एपिथेलियल सेल्स दिख रहा है और RBC भी इसमें दिख रहा है, लेकिन आपके अनुसार आप कैलकुलेट करोगे तो फाइंडिंग क्या रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये टेस्टिंग चल रही है सारे लोगों की, जितने लोग आज तक हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सिखाया है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता तो चले कम से कम आप लोगों ने सीखा क्या है। नहीं सीखे होंगे मैं जरूर सिखाऊंगा, हमेशा सिखाता रहता हूँ, इस बार भी सिखाऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में इसका रिजल्ट क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये जो माइक्रोस्कोपी कर रहे थे तो इसमें सबसे हमने देखा क्या कि ल्यूकोसाइट 4+ है, और ल्यूकोसाइट क्या होता है, एक WBC होता है जो यूरिन में जाता है, तो हम उसको पसल देखते हैं, यानी कि पसल बोलते हैं। तो इसमें जो मुझे पसल देखा, अगर आप काउंट भी करोगे तो ये 100 से लेके 110 तक इसमें पसल्स था। रही बात एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल सेल इसमें 8 to 10 एपिथेलियल सेल्स दिखा, क्योंकि हर सेल्स हर फील्ड में हमें 6-7-8 6-7-8 या 10-12 ऐसे एपिथेलियल सेल्स दिख रहा है। तो 8 to 10 आप देख सकते हो, आपको लगे तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। ठीक, अब RBC देखते हैं, ब्लड इसमें 3+ है, एक्चुअली में ब्लड इसमें दिख रहा है क्या। अब 3+ ब्लड के लिए हमारा हमको RBC कितना देखना होगा, मैंने जो आइडेंटिफाई किया हर एक फील्ड में इसमें 20 से 25, किसी फील्ड में 30 RBC इसमें दिख रहा था, तो मैंने फाइंडिंग मुझे दिया है 20 to 25 RBC। बाकी क्रिस्टल कॉस्ट इसमें था नहीं, बैक्टीरिया बहुत ही कम दिख रहा था तो मैंने बैक्टीरिया सजेस्ट नहीं किया है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके फाइंडिंग के आधार पे इसमें कितना फाइंडिंग होना चाहिए था। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कर देना और कुछ क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देना।